अल्फाबेटिक ऑर्डर का जो है मैंने मेकअप कर रखा है, बट मैं ये अभी आपको नहीं दिखाऊंगी। इसके लिए जो देखना पड़ेगा आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, तो इसे फुल वॉच करना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना और मुझे जरूर कमेंट करके बताना कि मैंने ये मेकअप अच्छा किया है या अपना फेस खराब कर लिया है। ओके, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो अच्छे होंगे। आज जो मैं एक अदर आपके साथ जो मुझे चैलेंज मिला है उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रही हूँ। ये चैनल है आपको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में मेकअप करना है। तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में सारा मेकअप तो मेरे पास अवेलेबल नहीं था, पर जितना कुछ था उतने प्रोडक्ट के अंदर में आपको मैं मेकअप करके दिखाऊंगी और आप ही बताना कि वो मतलब अल्फाबेटिकली मैंने उसको यूज़ किया तो वो अच्छा हुआ या नहीं हुआ, उसका फैसला आप ही करोगे जब देखोगे। तो वो सामान जो है मैंने कुछ इस तरीके से अल्फाबेट के अकॉर्डिंग सब कुछ इस तरीके से लगा के रख लिया है। अब मैं इसको एक एक करके यूज करती रहूंगी और आपको बताती रहूंगी कि किस अल्फाबेट से मुझे क्या मिला या क्या नहीं मिला। तो फिर मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप देख लीजिए, मेरे फेस पे कोई मेकअप नहीं है, कुछ भी मैंने अप्लाई नहीं कर रखा। जैसे अभी सिर्फ फेस मैंने वॉश मतलब फेस वॉश किया था, वो भी जब बात लिया था तब से अभी कोई फेस वॉश वगैरह कुछ नहीं कर रखा। मैं सिंपल बैठी हुई हूँ और मैं अब आपको सब कुछ चीजें एक करके अप्लाई करके दिखाऊंगी। तो ए से तो जो है मुझे कुछ नहीं मिला, कुछ मेरे पास ऐसा अवेलेबल भी नहीं था और मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि ए से क्या जाएगा, तो ए तो कैंसिल हुआ, तो ए से कुछ नहीं करूंगी। सेकंड आया बी से, बी से था मेरे मेकअप में जो डेली की चीज है वो थी ये बिंदी। तो ये दो बिंदियां हैं, ये दो बिंदी के पैकेट हैं, मैं इस वाली बिंदी को लगाऊंगी। तो सबसे पहले मैं लगाऊंगी ये बिंदी। देख लीजिए आप, कोई इसमें पहले मैं कोई मॉइस्चराइजर या कोई टोनर वोनर कुछ भी यूज नहीं कर रही हूँ, कोई प्राइमर कुछ भी नहीं है, सिर्फ अल्फाबेट के अकॉर्डिंग ही सारा मेकअप मेरा जो स्टार्ट हो रहा है। मेकअप कैसा होगा, मैं कैसी लगूंगी मुझे नहीं पता है, बस स्टार्ट कर दिया है। तो फर्स्ट जो था मेरा अल्फाबेट था वो बी, बी से लगाया है मैंने बिंदी, तो बिंदी स्टार्ट हो गई है। सी है हमारे पास, सी है, सी से है मेरे पास ये कंसीलर, तो मैं इस कंसीलर को ट्राई करती हूँ और इसको लगाती हूँ। आज पता नहीं क्या बनने वाली हूँ मैं, और ये थोड़ा शीशे से देखकर करती हूँ क्योंकि सामने करना कैमरे में थोड़ा प्रॉब्लम देता है। तो पहले मैं इसको अपने अंडर आईज के अंदर लगा लेती हूँ, हाथों से ही इसको ब्लेंड कर रही हूँ अच्छी तरीके से। ब्यूटी ब्लेंडर में लान रखना भूल गई, तो अब जो है वैसे ही मैं इसको अच्छे से कर रही हूँ, पर आपके पास अगर ब्यूटी ब्लेंडर है तो आप उसी से ही करना। सी से ये कंसीलर हो चुका है, डी से अगेन मेरे पास कुछ नहीं है, तो डी से फिर मैं कुछ नहीं कर सकती। ए बी सी डी, ई से है मेरे पास ये मास्क का आई शेडो पैलेट, तो इसमें से जो है मैं आपको आई शेडो लगा के दिखाती हूँ। तो कोई ज़्यादा डार्क कलर नहीं, मतलब देखती हूँ कौन सा कलर अप्लाई करती हूँ। इसके साथ तो आई थिंक ऑरेंज जो पहन रखा है ऑरेंज आएगा, ऑरेंज या गोल्डन या पिंक। तो इस ब्रश की हेल्प से मैं ये अप्लाई कर रही हूँ। मैं मेकअप बहुत ज़्यादा कम करती हूँ, मुझे मेकअप पसंद है बट हर वक्त मेकअप में मैं रहना पसंद नहीं करती हूँ। मेरे मेकअप का मतलब होता है ओनली लिपस्टिक लगाना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। थिंक इक्वल है शायद दोनों आँखों में। तो ई से जो हो गया है हमारा ये क्या कहूँ मैं इसको, आई शेडो पैलेट में से मैंने आई शेडो लगा लिया है। ई से अगेन मेरे पास ये थी आईब्रो पेंसिल, तो ये मैं आईब्रो पेंसिल भी फीस फिल कर लेती हूँ। जिसे मैं ई से आईब्रो पेंसिल यूज करने के बाद मैं एफ से अब यूज कर रही हूँ ये फेस पाउडर, लैक्मे का रोज पाउडर है ये, तो इसको मैं अप्लाई कर लेती हूँ, ज्यादा नहीं थोड़ा थोड़ा। जी से है मेरे पास ये ग्लिटर, ये शिमरी सा ग्लिटर, तो इसको मैं जो है आईज पे अप्लाई कर लूंगी। चमक रहा है, ज्यादा तो नहीं हो गया है। जी से मैंने कर लिया ये, दिख रहा है ना, हाँ जी से मैंने कर लिया है ये हाइलाइटर। अब सॉरी हाइलाइटर नहीं ग्लिटर। अब एच से जो मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगी वो करके दिखाऊंगी हाइलाइटर। तो ये हाइलाइटर भी मेरा थोड़ा थोड़ा यूज हो गया है। नहीं
नहीं है, जे से मेरे पास कुछ नहीं है, के से है मेरे पास अगेन ये काजल, तो मैं ये काजल आपको अप्लाई करके दिखाऊंगी। हेवन का काजल है और मैं इसको काफी टाइम से यूज कर रही हूँ। तो के फॉर काई काजल, के फॉर काइट, के से हो गया काजल, एल से है लिपस्टिक, लिपस्टिक लगाते ही फेस पे चेंज आने लगता है। मैं लाइनर आपको अप्लाई करके दिखा देती हूँ। तो एल से ये लाइनर भी मैंने अप्लाई कर लिया है, ये मश्कारा लैक्मे का, अब इसको यूज करूंगी। अगेन मुझे मिरर की जरूरत पड़ेगी। तो मश्कारा भी अप्लाई कर लिया है, आई जे के एल, एम से मश्कारा, एम एन, एन से मेरे पास कुछ नहीं है, एम एन ओ से भी कुछ नहीं है, पी से भी कुछ नहीं है, क्यू आर, आर से है मेरे पास रोज, तो जो रोज है मैं वो लगा लूं। आर, हाँ आर से हो गया। एस से मेरे पास है ये सनस्क्रीन, तो अब इतना सारा मेकअप करके अब मुझे लगानी है सनस्क्रीन, तो मैं थोड़ा थोड़ा इसको अप्लाई करूंगी। और सनस्क्रीन और प्लस एस से है ये सिंदूर, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। बस मेरे मेकअप के इतने ही प्रोडक्ट थे, तो मैंने इस मेकअप को अल्फाबेटिक ऑर्डर में जो है कर लिया। अब आप मुझे बताइए कि ये मेकअप कैसा हुआ है, कैसा लगा या आपको, प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताना। बालों को मैंने भी कोई कॉम नहीं किया है, जस्ट आपके सामने, और सब कुछ को एक ही शूट में है ये, इसमें कोई कट नहीं है। तो आप बताना कि मेकअप अल्फाबेटिक के ऑर्डर से सही हुआ या नहीं हुआ, और मेरा मेकअप गंदा तो नहीं लग रहा। प्लीज आप ये भी बताना कि क्या आप चीज कब अप्लाई करनी थी, क्या कब करनी थी, वो नहा नहीं होके जो जैसा जैसा होता गया मैं करती गई अप्लाई। तो प्लीज कमेंट करना, शेयर करना इस वीडियो को अगर आपको पसंद आती है तो। ओके okay.